नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ FCI की तरफ से। जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम ने अपना 2019 का पहला विज्ञापन जारी कर दिया है। 5,000 पदों के लिए वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। एंड खुशखबरी ये है कि जो राजस्थान के अंदर भी इसमें आपकी वैकेंसी रहने वाली है। राजस्थान के लिए भी काफ़ी सारे पद इस विज्ञापन के अंदर सम्मिलित है, जिसके अंदर आपके LDC, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, काफ़ी सारी पोस्ट इसमें निकल रखी है, जिसके लिए BA, BTEC, BSc, BCOM सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन देखते हैं डिटेल्स के साथ जो FCI की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2019, FCI कैटेगरी 3rd। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आ चुका है FCI का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जोनल वाइज रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, स्टेनोग्राफर सेकंड, टाइपिस्ट असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, अकाउंट टेक्निकल डिपो, काफ़ी सारी पोस्ट इसके अंदर निकल रखी है। और अगर आपको जो राजस्थान के अंदर इसमें जो पोस्ट चाहिए, राजस्थान के लिए अगर आपको नौकरी चाहिए, तो आपको जो नॉर्थ जोन से अप्लाई करना होगा, क्योंकि नॉर्थ जोन के अंदर ही राजस्थान अपना आता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सबसे फर्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर की, इसमें पोस्ट है जिसके अंदर आपकी जो सैलरी रहेगी 29,950, एंड जिसमें आपकी एज लिमिट है 28 साल। एंड इसमें जो टोटल पोस्ट आपकी SC ST OBC AWS, यानी जो भी 10% स्वर्ण आरक्षण मिला था, वो उसको भी इसके अंदर सम्मिलित कर रखा है। ठीक है, तो टोटल इसमें जो आपकी पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 50 पोस्ट है जो एक्स सर्विस मैन एंड जो PWD को मिलाकर, एंड जो सिविल इंजीनियर की ये पोस्ट है 50, एंड जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर भी सैलरी वही है 29,905, एज लिमिट 28 है। ठीक है, एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर जो टोटल पोस्ट है आपकी 30+2 32 पोस्ट है। ठीक है, एंड जो स्टेनोग्राफर के अंदर जो टोटल पोस्ट है, इसमें जो टोटल पोस्ट है आपकी 43+4, इसमें भी जो 50 के समथिंग टोटल पोस्ट आ रखी है इसमें। ठीक है, स्टेनोग्राफर की, एंड जो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी की, जो इसमें टोटल पोस्ट है 24 पोस्ट है। ठीक है, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता दूंगा। एंड जो हिंदी टाइपिस्ट के इसके अंदर पोस्ट है, तो आपकी जो स्टेनो के अंदर 25,530 सैलरी रहेगी, एंड जो असिस्टेंट ग्रेड है उसके अंदर 25,530, एंड जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है इसके अंदर आपकी जो सैलरी रहेगी 22,940। ठीक है, तो एंड उसके बाद जो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की आपकी जनरल वाली पोस्ट है, तो उसके अंदर टोटल है 256 सीट है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 256 सीट है SC ST OBC सभी को मिलाकर। एंड जो 14 है दिव्यांग यानी PWD के लिए, 41 पोस्ट है आपके जो एक्स सर्विस मैन के लिए इसमें रिजर्व है। ठीक है, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं, जो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जो अकाउंट्स वाली पोस्ट है, तो इसके अंदर जो आपकी टोटल वैकेंसी है 287, एंड जो 12 पोस्ट इसमें PWD के लिए, 41 पोस्ट है एक्स सर्विस मैन के लिए इसमें रिजर्व है। एंड जो अकाउंट ग्रेड थर्ड जो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की पोस्ट है, तो इसके अंदर 286 पोस्ट है, एंड जो 4 है जो PWD के लिए, एंड जो 46 है एक्स सर्विस मैन के लिए। ठीक है, तो ये नॉर्थ जोन की वैकेंसीज है। एंड जो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की एक और वैकेंसी, जिसमें डिपो वाली पोस्ट है, तो इसके अंदर जो आपकी टोटल सीट है 1999। ठीक है, 1999 इसमें टोटल पोस्ट है, जिसमें 78 आपके PWD के लिए है, एंड जो 285 है एक्स सर्विस मैन के लिए। ठीक है, तो नॉर्थ जोन के अंदर टोटल 2000 से भी ज़्यादा पोस्ट है इसके अंदर, 2300 के समथिंग पोस्ट है नॉर्थ जोन के अंदर। ठीक है, और जो सैलरी भी इसमें आपकी जो डिपो वाली असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें 22,940 आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके जो साउथ जोन के अंदर भी वैकेंसी निकल रखी है, तो इसके अंदर जो साउथ जोन के अंदर टोटल पोस्ट है 540 तो आपकी SC ST OBC की हो गई सभी पोस्ट को मिलाकर, एंड जो आपके जो PWD एंड जो एक्स सर्विस मैन की 16 और 79 इसमें पोस्ट है। एंड जो ईस्ट जोन के अंदर भी काफ़ी सारी वैकेंसी निकल रखी है, जिसके अंदर ईस्ट जोन के अंदर जो टोटल वैकेंसी है 538+22+77। ठीक है, एंड उसके बाद जो वेस्ट जोन के अंदर भी काफ़ी सारी वैकेंसी है, जो आप देख सकते हैं, टोटल अपन देख लेते हैं, एंड जो अलग अलग पोस्ट को आप आराम से देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते अपन। ठीक है, तो आप जो टोटल पोस्ट हो जाएगी आपकी 735, एंड जो PWD के लिए 33 है, एंड जो एक्स सर्विस मैन के लिए 105 है। एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न जोन है, तो इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी आपकी 291+9+39। ठीक है, तो ये टोटल पोस्ट है। एंड जो अपने नॉर्थ जोन के लिए भी काफ़ी सारी 2300 के समथिंग पोस्ट, अगर राजस्थान के लिए आप ज्वाइनिंग चाहते हो, नौकरी चाहते हो, तो आपको नॉर्थ जोन से अप्लाई करना होगा। ठीक है,
तो ये तो अगर आप अपन देखते हैं जो कितनी क्या इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी जेई यानी जूनियर इंजीनियर की इसमें जो वैकेंसी है, अगर आप जो सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है। तो डिग्री वालों को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है एंड जो डिप्लोमा वालों को एक्सपीरियंस की जरूरत है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी वही सेम है कि जो आपके पास डिग्री, अगर डिग्री है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर डिप्लोमा है तो आपके पास जो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एंड जो स्टेनोग्राफर वाली जो पोस्ट है ग्रेड सेकंड के अंदर, तो आपके पास जो ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही में आपके पास ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कोर्स आपके पास होना चाहिए। एंड जो 40 वर्ड आपको टाइपिंग में आना चाहिए एंड जो 80 वर्ड पर मिनट आपको जो स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड के अंदर आने चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, जैसे आपने BCA कर रखा है और या फिर BSc कर रखा है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड सेकेंड वाली पोस्ट है तो इसके लिए भी जो आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए एंड साथ ही में आपको इंग्लिश आनी चाहिए और साथ में आपके पास 1 साल का जो ट्रांसफ़र होना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसफ़र करने का, और जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। एंड जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है इसके अंदर जो आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आपको, ठीक है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए एंड जो 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, और साथ और इसमें जो वरीयता उनको दी जाएगी, प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्यूटर की नॉलेज हो, ठीक है। एंड जो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल वाली जो पोस्ट है इसके लिए सिर्फ आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एंड साथ ही में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो असिस्टेंट ग्रेड अकाउंट्स वाली जो पोस्ट है इसके अंदर आपके पास कॉमर्स के अंदर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड साथ ही में आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो एक और पोस्ट आपकी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के अंदर जो टेक्निकल वाली पोस्ट है तो उसके लिए आपके पास BSc होनी चाहिए, BSc इन एग्रीकल्चर या फिर BSc इन आपके बोटनी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी फूड साइंस, 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए BSc के अंदर। या फिर अगर आपने BTech कर रखा है, बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है फूड साइंस के अंदर, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड साथ ही में आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए। एंड जो डिप्लो वाली पोस्ट है तो इसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, चाहे अगर आपने किसी भी कर रखी हो, BA कर रखी हो, BTech कर रखी हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिप्लो वाली पोस्ट के लिए। और जो अपने नॉर्थ जोन के अंदर 2000 के समथिंग इसके अंदर पोस्ट निकल रखी है, ठीक है, डिप्लो वाली पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित जानकारी मैंने आप सभी को बता दी है। एंड जो आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस ऑनलाइन रहेगी जिसका वीडियो मैं बना दूंगा, एंड जो आप देख सकते हैं इसमें जो छूट रहने वाली है तो जो दिव्यांग साथी है SC ST जनरल वालों को 10 साल की छूट रहेगी PWD कैंडिडेट्स को, एंड जो SC ST के PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल की, एंड जो OBC वाले PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 13 साल की एज रिलेक्शन में छूट रहेगी। बाकी जो अदर छूट है बिना, तो जो SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की इसमें छूट रहने वाली है, एंड जो विधवा कोटा उनके लिए भी अलग से इसमें छूट रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विडोज के लिए 35 साल एंड डिवोर्स के लिए 38 एंड जो वुमन है तो उनके लिए 40 साल इसमें बता रखा है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से, छूट भी इसमें है एज लिमिट के अंदर, ठीक है। एंड जो आपका एग्जामिनेशन इसमें जो रहेगा आपका, देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आपका जैसे रेलवे के अंदर अभी एग्जाम हुआ था CBT 1 CBT 2, तो इसी प्रकार इसमें भी आपका जो फेज फर्स्ट का पेपर रहेगा, फेज सेकंड का पेपर रहेगा, तो आपके जो सब्जेक्ट यही रहेंगे, ज़्यादा बड़े सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो पहले जो आपका कॉमन पेपर रहेगा जिसके अंदर आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहेगा 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे, टाइमिंग आपको मिलेगा 20 मिनट, एंड जो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के 20 मिनट का टाइम रहेगा, एंड जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है इसमें 35 नंबर के 35 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल आपके 100 नंबर का टेस्ट रहेगा, 1 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा। एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, बाकी जो रीजनिंग एंड जो गणित वाला सब्जेक्ट है उसके अंदर हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपको मिलेगी, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपका फेज
सेकंड रहेगा, तो आपका जो सब्जेक्ट वाइज पेपर रहेगा और उसका सिलेबस भी आप देख सकते हैं। तो जो आपका वन पेपर रहेगा, ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी रहेगी, जो सेकंड फेज रहेगा, तो इसका सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसा आपने बीटेक कर रखी है, तो बीटेक वालों के लिए अलग से इसमें सिलेबस है, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सभी के लिए अलग अलग इसमें सिलेबस दे रखा है। एंड जो माइनस मार्किंग भी आपकी रहेगी, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए यह सिलेबस इसमें बता रखा है। एंड जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी इसमें अलग से सिविल बता रखा है। जो आपका सेकेंड पेपर रहेगा उसके अंदर अलग से आपका जो पेपर बनेगा उसके लिए सिलेबस दे रखा है। एंड जो फर्स्ट फेज के अंदर सिर्फ आपका इंग्लिश रीजनिंग गणित का ही टेस्ट रहेगा, ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा ध्यान से, इस प्रकार का आपका यह सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। जो अप्लाई करने में आपकी कितनी क्या फीस है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो जो इसमें बता रखा है कि ₹500 रहेंगे जनरल ओबीसी के लिए, एंड जो SC ST एंड जो दिव्यांग साथी है उनके लिए फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री इसमें है, ठीक है। तो SC ST के लिए फ्री है, एंड जनरल ओबीसी एंड जो EWC वाले हैं तो उनके लिए ₹500 इसमें चार्जेस रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो न्यूनतम आयु इसमें 18 वर्ष बता रखी है कि जो 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लीजिए, अगर आप जो राजस्थान के अंदर आपका जो एग्जाम सेंटर आप लेते हैं, तो राजस्थान के अंदर आपको अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर के अंदर जो फर्स्ट पेपर रहेगा, फेज फर्स्ट है उसका एग्जाम सेंटर मिलेगा। एंड जो सेकंड फेज है उसका एग्जाम सेंटर आपको राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अंदर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यह देख लीजिएगा, और इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो नॉर्थ जोन के अंदर अपना राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड जो चंडीगढ़, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये लगता है जोन वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा जोन किस कौन से जोन के अंदर कौन से स्टेट्स आपके आते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, प्रोसेस भी मैं बता दूंगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके फॉर्म भरने के फीस क्या रहेगा, तो SC ST PWD एंड जो सर्विस में है, एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए जो एग्ज़ाम फीस इसमें फ्री रहेगी, ठीक है, एग्ज़ाम फीस फ्री, ठीक है। एंड जो जो जनरल OBC एंड जो EWC वाले हैं उनके लिए इसमें ₹500 का चार्ज रहेगा। तो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड एक जोन के लिए एक ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ऐसा फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार फॉर्म को, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और फॉर्म भरने की प्रोसेस का वीडियो भी मैं आप सभी को बनाकर बता दूंगा। तो टोटल 5,000 पदों के लिए वैकेंसी आ चुकी है, और एक पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एक जोन के लिए एक ही कैंडिडेट, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सभी देख लीजिएगा, ये विज्ञापन आ चुका है, ठीक है। FCI के अंदर वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए, ठीक है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप इलिजिबल है तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी आप सभी को देनी थी, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करके उनको बता दीजिएगा FCI के अंदर 5,000 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। और आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।